डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, लेसन नंबर 69। उपाध्यक्ष महोदय, अगर भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम देखें तो यह कहने में कोई गलती नहीं होगी कि कृषि उसका आधार है। किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उस देश की भूमि की उत्पादन शक्ति पर निर्भर करती है। यदि भूमि की उत्पादन शक्ति में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी कुछ परिवर्तन आरंभ हो जाता है। कृषि भारत के लिए एक आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है, यह एक संस्कृति भी है। जो लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं इनको पता ही होगा कि जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं वे समाज के नाम से, धर्म के नाम से, जाति के नाम से या राजनीति के नाम से होते हैं। ऐसे आंदोलनों में कोई भी समाज शामिल हो लेकिन कृषि समाज उसमें शामिल नहीं होता है, उस आंदोलन के साथ कृषि समाज की सहानुभूति भी होती है। इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रखकर हम देखें तो इस देश के लिए आवश्यक यह होगा कि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए और जीवन प्रणाली की रक्षा के लिए कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए। कृषि के क्षेत्र में इस वर्ष काफ़ी प्रगति हुई है। यदि आप 1801 से 1901 तक का जमाना देखें तो आप देखेंगे कि हमारे देश में 31 अकाल पड़े जिनमें 4 करोड़ लोग मरे, लेकिन आज हमारे खाद्य मंत्रालय ने 100 रुपये मन के भाव पर गेहूं खरीद कर एक भी आदमी को मरने नहीं दिया। इसके लिए हमारा खाद्य मंत्रालय बधाई का पात्र है। एक बात मैं विशेष रूप से इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, आजकल हम लोग मानव शक्ति पर ज़्यादा ध्यान न देकर पूंजी पर ज़्यादा निर्भर रहने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा 1946 में जापान की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी, लेकिन वहाँ के 60 लाख काश्तकारों ने कृषि शिक्षा के बल पर इतना अनाज पैदा करके दिखलाया कि आज वे 10 करोड़ आदमियों का पालन पोषण कर रहे हैं। वहाँ पर 30 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें कृषि की शिक्षा दी जाती है, जिनमें 16,000 छात्र प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं। यहाँ हमारे देश में तो केवल 26 कृषि विश्वविद्यालय हैं। हमारे देश की 95 करोड़ आबादी को दृष्टि में रखते हुए जापान एक बहुत छोटा सा
राज्य है, शायद हमारे राजस्थान से कुछ ही बड़ा है। पाई पेरा चेंज, लेसन नंबर 70। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हम प्रगतिशील हैं, लेकिन हमारी गति में तेजी आनी चाहिए। श्रम की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए। जो पंचवर्षीय योजनाएं हमने बनाई है, उनमें हमारा लक्ष्य केवल यह नहीं था कि हम अधिक अन्न पैदा करें, हमारा लक्ष्य यह भी था कि अच्छे आदमी पैदा करें, जिससे कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का ठीक विकास हो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि राज्यों में जहाँ बहुमत के आधार पर विरोधी दलों की सरकारें हैं, उनको तोड़ने का अधिक ध्यान केंद्र को नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें स्थिति को देखते हुए भेद करना चाहिए। गुजरात की सरकार टूट गई, इसके लिए हमको अफसोस नहीं करना चाहिए। जहां तक इस बिल का संबंध है, मैं इसकी कमियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिससे कि आपको उसे ठीक करने की प्रेरणा मिले और इसको आप ठीक करके वहाँ का काम चलाएं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो पार्टी सरकार चलाती है वह सब सही काम करती है, लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूँ कि जो गुजरात की सरकार टूट गई वह अच्छी बात हुई है। गुजरात के लिए आपने संसद सदस्यों की जो समिति बनाई है वह एक ठीक कदम है, लेकिन इस बात का आश्वासन भी आपको देना चाहिए कि राज्य और जिला स्तर पर जो समितियां आप बनाने जा रहे हैं उनको सर्वदलीय बनाएंगे, ताकि जनता की जो कठिनाइयां हैं वे आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ सकें और उनकी आवाज़ के अनुसार वहाँ पर कुछ काम हो सके। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी और बाहर के लोगों को आप उन समितियों में रखेंगे जिनको गुजरात की समस्याओं का कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो नतीजा यह होगा कि आप गुजरात की समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि आप इसमें ऐसी कानूनी व्यवस्था करें कि जिससे विभिन्न स्तरों पर सर्वदलीय समितियाँ बनाई जा सकें और उनके जरिए सरकार के सामने सुझाव आए कि वहाँ पर किस तरह से काम होना चाहिए। पाई पेरा चेंज, गुजरात औद्योगिक मामलों में अन्य राज्यों से थोड़ा भिन्न है, फिर भी वहाँ की स्थिति यह है कि आज भी प्रति व्यक्ति आय 173 रुपये से अधिक नहीं है। गुजरात में अन्य राज्यों के मुकाबले
सबसे ज्यादा कर लगे हैं। कर जांच आयोग ने भी इस बात का जिक्र किया है कि वहां पर सबसे ज्यादा टैक्स लगा हुआ है। आज भी गुजरात में बड़े बड़े पूंजीपतियों व जमींदारों का अधिकार है। हमें इस वर्ग को तोड़ना होगा ताकि जनता राहत महसूस करे। स्टॉप।